कॉनकेव मिरर के बाद नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? साइन कन्वेंशन। क्या होती है? तो इसका मतलब सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में साइन क्या क्या लेने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद है किधर पॉलिश होती है? अंदर की साइड, इधर। ठीक है, इधर पॉलिश करते हो आप, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली होती है। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है? पोल। अब इस ये मिरर इधर की साइड में ही तो स्फेरिकल होगा, इधर नहीं, किधर? इधर। तो अगर इधर होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही कहीं कहीं रहा होगा। ठीक है, यस। और इसका फोकस भी यहां कहीं रहा होगा, इधर ही तो रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर है ये? अच्छा, तो इसकी जो रेडियस है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस भी इधर रही होगी। ठीक है, अच्छा, फोकस इधर है तो जो फोकल लेंथ है वो भी इधर ही रही होगी। ठीक है यहां तक? अच्छा, ऑब्जेक्ट को आप किधर रखोगे? कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? या तो सर आप इन्फिनिटी पर रखोगे या बियॉन्ड पी रखोगे। दो ही पोजीशन है जहाँ पर आप रख सकते हो, इसके अलावा तो कोई है नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लो आपने यहाँ रखा कहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब आपने यहाँ रखा तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ध्यान रखना किधर होगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड में रहेगी। आपने कॉन्वेक्स मिरर के केस पढ़े हैं, दो ही केस हैं वहाँ पर, और दोनों जगह इमेज कहाँ बनती है पता है आपको? इस साइड में बनती है। दोनों केस में इमेज कहाँ बनती है? इधर ही साइड में बनेगी, है ना। इस साइड में जो बनेगी तो इमेज बड़ी बनती है और ऐसा कुछ इमेज बन रही होगी। ठीक है, ये मान लीजिए है कुछ ए डैस बी डैस या ए बी ए डैस बी डैस की नाम रखता हूँ। अब ये मान लो इमेज है हमारा, इमेज डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं? ठीक है, ये सारे केसेस हैं जो कॉन्वेक्स मिरर में, जिन्होंने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, अच्छा, अब वन बाय वन हम ये देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या क्या होने चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव और इधर कैसी होती है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ negative. और ये हमारा ओरिजिन है। ओके, अच्छा, तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्यारे बच्चों किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये देखो, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इधर रखा हुआ है या ऊपर रखा हुआ है? रखा हुआ है। अरे, मैं उस वॉल से ऊपर रखा हुआ हूं या फिर नीचे रखा हुआ हूं? तो बेस पर रखा हुआ हूं। कहां रखा हुआ हूं मैं? बेस पर ना। तो इसका मतलब ये बेस को देखो, है ना, क्लियर है आपको? तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैसी होती है? तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर रखा है तो कैसा लिया जाएगा क्वेश्चन करते वक्त? नेगेटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसी? ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा, एक बार फिर से, छोटी सी इमेज यहां पर कहीं, यहां पर मैं बना देता हूं। ठीक है, ए बी, तो इमेज डिस्टेंस आप कैसी लेकर चलोगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, कौन सी? इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव। अब आप इसको रूल क्या बना रहे हो बताओ देखकर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है, बाकी सब कुछ कैसा है? ठीक है, कॉनकेव के केस में क्या था? ऑब्जेक्ट की हाइट सिर्फ पॉजिटिव थी, बाकी सब नेगेटिव था। ठीक है, तो ये वाली बात कहीं पर नोट भी कर लेना अपने लिए।
कि कॉनकेव मिरर के केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ओनली यू नेगेटिव, ठीक है, ये वाली बात अगर आपने नोट कर ली तो बड़ी चीज आपको याद हो जाएगी शॉर्ट में। और कॉन्वेक्स में, अच्छा उसमें केवल क्या था, एच पॉजिटिव, और एच पॉजिटिव लिख लो, एच पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स में यू नेगेटिव, ओनली यू नेगेटिव, ठीक है। ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, ये ठीक है, फोकस इधर है तो फोकल लेंथ इधर होगी, ठीक है, इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की वो इधर साइड में बन रही है, कोई छोटी सी इमेज बनती है, दो केस होते हैं कॉन्वेक्स में, इमेज इस साइड में बनती है तो इमेज डिस्टेंस इधर होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर होगी। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, जो चीज़ें इधर हैं वो सब कैसी लेनी है, नेगेटिव, जो चीज़ें इधर हैं वो सब कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो इधर क्या क्या है आप देखो, फोकल लेंथ नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, ठीक। तो नेगेटिव क्या बचा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। अब बाकी का अगर हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव और इमेज की हाइट पॉजिटिव, तो बाकी सब कुछ कैसा है, पॉजिटिव, केवल केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव, यस, ठीक है। तो हमने यहां पर नोट कर लिया है, जो कॉनकेव मिरर के हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें सिर्फ हाइट पॉजिटिव थी ऑब्जेक्ट की, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम ये देख रहे हैं सिर्फ कौन नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, ठीक। अब इनको न्यूमेरिकल में आप अप्लाई करोगे, तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो, मिरर फॉर्मूला। कोई बच्चा बता सकता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये है मिरर फॉर्मूला, 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, h' / h क्या होता है, h' / h होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है ये। और एक इसके साथ एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, ये मैं आज की क्लास में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको बता दिया था, मैग्नीफिकेशन का क्या मीनिंग होता है, वो h' / h क्यों होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। इसके अलावा अगर मान लो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी हो और हमें एफ की जरूरत हो तो कैसे निकालोगे, एफ किसके इक्वल होता है बोलो, रेडियस अपॉन टू। ये तीन ही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में भी, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और m के कुछ केस बताए थे कि m की वैल्यू के बेस पर आप निकाल सकते हो कि कैसा नेचर है, कैसा साइज है, ये भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो याद है आपको, अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, सेम साइज, क्या होता है, सेम साइज। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख दूं, h डैश इक्वल होगा किसके, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। लेकिन अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही हो तो स्मॉल होगा, है ना, तो यानी कि h डैश लेस होगा किससे, लेकिन अगर m की वैल्यू ग्रेटर आ जाए किससे, 1 से, तो यानी कि इमेज का साइज बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब जिसने लास्ट क्लास अटेंड की होगी उसको समझ आ रहा होगा ये क्या लिख दिया, नहीं तो बाकी सब एरोप्लेन की तरह ऊपर से जा रहा होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, m के बारे में एक चीज और देखी थी हमने कि अगर m पॉजिटिव आंसर दे, कैसा आंसर दे, तब उस केस में जो इमेज होती है वो कैसी, सोचो, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर m का आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, ये वो सारा स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है जिसको आपको यूज करना है और कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप कर पाओगे फिर, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। यानी कि ये दोनों पेज ऐसे पेज हैं जो आपको इनमें से अगर एक पेज ना पता हो तो दूसरा पेज पता होने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूला याद है लेकिन साइन नहीं आते तो फिर आंसर रॉन्ग, ठीक है। साइन आते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तब भी क्या होगा, रॉन्ग, ठीक है। तो दोनों ज़रूरी हैं। ओके, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। आरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूँ मैं, बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए, ठीक है, और ये कलेक्ट करिए कि वो क्या क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, सुनिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, यानी कि यू दे दिया, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया, मुझे गिवन है यू कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे पढ़ता हूँ, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कौन से मिरर का क्वेश्चन है वो भी नोट कर लो, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, ये जरूरी है नोट करना, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन उसी के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे दी, कितनी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजिशन का मतलब कितनी इमेज की डिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड करना है, यानी हम वी जानना चाहते हैं और उसका नेचर कैसा है ये सब हम जानना चाहते हैं, साइज भी जानना चाहते हैं, साइज हालांकि नहीं पूछा उसने, सिर्फ नेचर और पोजिशन दो चीज़ें पूछी हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने अभी तक क्या किया, जो गिवन था वो नोट कर लिया, ठीक है। फिर से एक बार, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है किसी मिरर से, ठीक है, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो बताओ उस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूर बनेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो हो गया गिवन, और ये जो है ये क्या है, टू फाइंड, जो हमें निकालना है। अब गिवन और टू फाइंड के बीच का रिलेशन क्या है, वन अपॉन यू, ये मिरर फॉर्मूला है, यू वी और एफ, ठीक है। यू हमें गिवन है, V हम जानना चाहते हैं और F हमें गिवन है, तो आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन जब ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो तो पुट करने से पहले क्या लगाओगे, साइन कन्वेंशन देखोगे, ठीक है। किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ U नेगेटिव लेना है, बाकी सब positive. तो ठीक है, मैं U के आगे नेगेटिव लगा देता हूँ। अब ये U जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा वहां से लगाया, ये U नेगेटिव लेकर चलना है, ठीक है, और F हो गया साइन कन्वेंशन की बातें। अब क्या बचा, वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन करना बस, तो वो करते हैं, 1 अपॉन U कितना है, प्लस 1 अपॉन V निकालना है, 1 अपॉन F 15, यहां प्लस 15 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन V ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन 15 भी ऐसे ही ठीक है अपनी जगह पर, ये कैसा है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन 10, ठीक है। देखो ये जो है ये कैसा है, माइनस का, अब ये वाला जो माइनस होता है ना, ये पहले तो यहां लगा था, इसको यहां की जगह यहां लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो ये होल क्वांटिटी कैसी है, माइनस में, अब ये उधर गई तो कैसी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, एलसीएम लेना, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, कितना आएगा, 15 टू जा, 2 बन जा 2, ठीक है, 10 से ये 3 टाइम 3, 3 बन जा, यहां पर आ गया, 1 अपॉन V ऐसे ही ठीक है, 3 और 2, 5 अपॉन, ठीक है,
ये मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है, ऐसे क्या घूर रहे हो, बोर्ड को नहीं देखना, ऐसे घूरना नहीं है, स्माइल रखनी है, ऐसे थोड़ा रखो, इससे मुझे लगे आपको समझ आ रहा है, मुझे थोड़ी गलतफहमी तो रहे कम से कम, ठीक है। ये एलसीएम, ये क्या चल रहा है बोर्ड पे, ऐसा नहीं देखना है, एलसीएम ले रहा हूं, ये तो सिक्स सेवन्थ क्लास की बातें हैं, है ना। अब यहां पर रेसिप्रोकल करा रहा हूं, ठीक है, तो रेसिप्रोकल कराओगे तो क्या आएगा, वी, और इसको अभी रेसिप्रोकल कराओ, 30/5। रेसिप्रोकल का मतलब है इधर उल्टा कराया तो इधर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 से ये कैंसिल हुआ, कितना कितना क्या, ठीक है। तो आंसर आपका कैसा आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आना चाहिए था, आएगा ही पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कौन सा मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में वी कैसा होता है, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं आना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से आप कराओगे, ओके, ये तो निकल कर आ गई क्या, पोजीशन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि नेचर और पूछा हुआ है उसमें, नेचर कैसे बताओगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्यों, कौन पॉजिटिव है, आपने कहा कि वी जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आई है, अगर वो पॉजिटिव आई है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यही तो बोला आपने, लेकिन इसको आप करके दिखाना पड़े तो कैसे दिखाओगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, एम इक्वल्स टू माइनस का माइनस, ऐसे ही ठीक है, वी कितना है और यू कितना है, कितना है, माइनस टेन, ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस, तो अब जो हमारा आंसर वट एवर जो भी आ रहा हो कैसा आएगा, positive. और अगर एम पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये समझ आया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, तो एक बार फिर से जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन नोट कर लेंगे, फिर उसको पढ़ के ये निकालेंगे उसमें से ढूंढ के कि हमें क्या निकालना है, फिर गिवन और जो निकालना है उसका आपस में रिलेशन यानी कि फॉर्मूला क्या है, फिर हम थर्ड स्टेप में लिखते हैं फॉर्मूला, इसको आप लोग रिलेशन भी कह सकते हो, आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 9th, 10th, 11th, 12th कोई भी स्टूडेंट हो, आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसका यही तरीका है, गिवन फिर इसके बाद टू फाइंड, फिर उन दोनों का आपस में बीच में एक रिलेशन फॉर्मूला जो भी है वो लिखो, और फिर लास्ट स्टेप होता है पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशन, बस इतना ही होता है फिजिक्स में, तो ये मैंने किया, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से पहले बस इस बात का मैंने ध्यान रखा कि मैंने साइन ठीक से लगाए हैं, फिर क्या बचा वो प्लस माइनस जिसको आप घूर के देख रहे थे वो वाला पार्ट, और बस फिर हो जाए, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक से था क्वेश्चन नंबर 14 बैक एक्सरसाइज का, क्वेश्चन ये था, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन था बच्चों, यू गिवन था कितना 5 सेंटीमीटर, सॉरी एच गिवन था, एच गिवन था कितना 5 सेंटीमीटर, यू गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया, और उस मिरर के सामने जो कि कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये ऐसा मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, और मुझे फाइंड करना है क्या, इमेज का हाइट, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी थी ये तो हो गई हमारी गिवन, और ये हमें फाइंड करनी है, इनके बीच में आपस में रिलेशन लिखना है, क्या है बोलो, मिरर फॉर्मूला क्या है बोलो, यही है 1/u + 1/v = 1/f, लेकिन इस फॉर्मूले में अभी हमें सिर्फ एक ही चीज पता है, क्या, u पता है सिर्फ, तो हमें अभी क्या और पता करना पड़ेगा, f हम पता कर सकते हैं क्योंकि रेडियस गिवन है, तो f जो होता है वो होता है रेडियस अपॉन 2, रेडियस कितनी है 30/2, कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ आ गई f 15। अच्छा अब बच्चों यहां पर वैल्यू पुट करनी है,
वैल्यू पुट करने से पहले ये क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर का है तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन बोलो, सिर्फ यू नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, ठीक है। तो यू नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, एफ बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है। तो यू नेगेटिव रख रहा हूं कितना, प्लस वन अपॉन वी कितना है फाइंड करना है, एफ कितना है 15, ठीक है। देखो यू रख दिया और ये एफ रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करना आसान है, कैसे देखो, ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/20। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60। अब 60 के देखो 15 से इसको डिवाइड कराओ, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, सिंपल है एलसीएम। 20 से इसको डिवाइड कराओ 3 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू ऊपर कितना 7 और नीचे कितना, ठीक है। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल कराओ, इधर रेसिप्रोकल करोगे तो v ऊपर आगा, इधर ये 60/7 इतना सेंटीमीटर, ये हमारा v का आंसर आ गया। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आया है 8.7, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ओके। ये आपने मुझे v निकाल कर दे दिया। अब आपको h डैश भी जानना है, तो h डैश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस, यही होता है। तो h डैश तो निकालना है, h गिवन है कितना 5 माइनस v कितना है, देखो ये वाली वैल्यू भी ली जा सकती है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए 60/7 ही लिख रहा हूं। अपॉन u कितना है, माइनस का 20, ठीक है। तो u लिख देता हूं माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, h डैश अपॉन 5 तो ऐसे ही, ठीक है, ये 7 यहां मल्टीप्लाई में तो आएगा, तो 60/7 इंटू, अब 20 से कैंसिल होगा कितने टाइम, ठीक है। अब h डैश ऐसे ही, ठीक है, ये नीचे वाला 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 5 × 3 = 15 और अपॉन में क्या 7. इतना सेंटीमीटर, ये हमारे पास इमेज की हाइट रही होगी, ओके। अच्छा अब इसके बाद v का आंसर पॉजिटिव है, एच डैश का आंसर पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं हमें। एच डैश का आंसर पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा, इरेक्ट इमेज बन रही है और वो वर्चुअल रही होगी फिर, तो इसलिए आप नेचर जब लिखोगे तो यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इस तरह से कराओगे। हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इन दोनों के ही न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में दो बातें ध्यान रखनी है, पहला तो ये कि कॉनकेव के केस में कौन सी चीज ऐसी है जो सिर्फ पॉजिटिव रहती है, एच, एच पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में क्या रहता है, यू नेगेटिव रहता है, बाकी सब पॉजिटिव, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो ऑब्जेक्ट का साइज, ये दिखा, ये 5 सेंटीमीटर हमें क्या गिवन है, हाइट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है उसकी डिस्टेंस मिरर से है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमें क्या दे दिया, यू। और फिर इसके बाद ऑफकोर्स ये तो नाम से पता चल रहा है ये क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तीन क्वांटिटी हैं जो मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि सबसे पहले नोट कर लेता हूँ, मुझे एच गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, यू गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर अभी के लिए,
और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये क्लियरली बोला हुआ है कि आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। इमेज कहाँ बनेगी का मतलब ये हो गया कि वी कितना होगा, ठीक है, और उसका नेचर मतलब रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये सब हमें बताना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम तो ये कि ये जो गिवन है और जो फाइंड करना है, इनके बीच का हमें फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहला स्टेप है गिवन लिखना, फिर है टू फाइंड लिखना, फिर तीसरा क्या है, फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन यू, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्राइमरी की पाठशाला नहीं चलती है, ऐसे वन टू वैसे वाला। तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में है, कौन सा, कौन के मिरर, ये लिखा हुआ है कौन के मिरर। कौन के मिरर के केस में हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ एच पॉजिटिव, बाकी सब के आगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि मुझे एफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर रेडियस से हम एफ निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल होता है, आर अपॉन टू, तो कितना आ जाएगा, माइनस 30 अपॉन टू, या मैं कहूँ माइनस 15 सेंटीमीटर। पुट करो क्या क्या वैल्यू हैं, वन अपॉन यू की वैल्यू कितनी, माइनस 25, प्लस वी निकालना है, वन अपॉन एफ कितना है, ठीक है ये, अच्छा। इसके बाद वन अपॉन वी ऐसे ही ठीक है, माइनस का वन अपॉन 15 ऐसे ही ठीक है। ये वाला जो माइनस है उसको यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, एक ही बात है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो माइनस है उसे यहाँ मान के चलो, तो ये चीज़ यानी कि माइनस की है, अभी उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेना है, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना, 75, ठीक है, 15 से कैंसिल कितना, माइनस का 5 है ना, प्लस 25 से 3, अच्छा। इसके बाद जब आगे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन वी ऐसे ही ठीक है, ये कितना, माइनस 2 अपॉन 75। अब हमें 1 अपॉन वी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वी, तो रेसिप्रोकल करा रहा हूँ बोथ साइड, तो वी इक्वल्स टू माइनस का 75 अपॉन 2, कितना, 37.5 इतना सेंटीमीटर, ठीक है, आसान है, इसमें क्या डाउट है, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब उसने कहा है कि नेचर और बताओ, ठीक है। अब जब वी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, वी, अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वर्चुअल इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। नेगेटिव, वी की वैल्यू नेगेटिव, तो सिर्फ ये बता रही है कि इस साइड में बन रही है इमेज। तो देखो, दो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये कि आप ये कर सकते हो कि m की वैल्यू निकाल कर देखो, देखो m इक्वल टू क्या होता है, माइनस का v अपॉन u, माइनस ऐसे ही ठीक है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, v कितना आया है, माइनस 75 अपॉन 2, और u माइनस 25 है। अब आप ध्यान से देखो, इस वाले माइनस से ये माइनस, अब ये माइनस बच गया, अब वॉट एवर जो कुछ भी आए इसका हमें कोई लेना देना नहीं उससे, हमारा आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव आएगा। और एम की वैल्यू नेगेटिव क्या बताती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्ट, हाया ना। कौन के मिरर का क्वेश्चन है, तो इमेज का आंसर एक केस को छोड़कर बाकी सब में कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन होता है, उसमें सारे आंसर क्या आते, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ये क्या दिया हुआ है बोलो, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, ठीक। फिर इसके बाद प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमें क्या दे दिया, यू दे दिया, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर,
एफ दे दिया, तीनों चीज़ें दे दी, इन तीनों को मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों को नोट करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर टू में सबसे पहले बोलो फटाफट से क्या क्या था। एच है 4 सेंटीमीटर, यू है कितना 25 सेंटीमीटर, एफ है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव मिरर का, ओके। अच्छा, हमें निकालना क्या है, वी, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई गिवन और ये टू फाइंड, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख लो, 1 upon u + 1 upon v = 1 upon f। फिर इसमें वैल्यू पुट करने से पहले साइन देख लो, उसमें कॉनकेव मिरर में सिर्फ h पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, आसान है ये तो, ठीक है। अब इसके बाद 1 upon u - 25 + 1 upon v निकालना है, 1 upon f - 15, ओके। ये तो वही कैलकुलेशन आ गई जो अभी की थी, माइनस का 1 upon 15 चल रहा है, ये माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया, अगेन वही एलसीएम 75 आएगा, अगेन यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का 3 और 1 upon v = कितना -2 upon 75। और यहाँ से जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो v की वैल्यू माइनस का 75 upon 2 या माइनस का 37.5। इसका आंसर भी यही आया, ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? जो गिवन था फॉर्मूला लिखा और बस साइन कन्वेंशन, वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी केयरफुली करोगे, आंसर ठीक आएगा, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और, इसमें मुझे इमेज की हाइट भी बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब भी बच्चों इमेज हाइट वाला क्वेश्चन आता है, जब इसमें इमेज की हाइट भी निकालनी हो, तो आप लोग फॉर्मूला यूज किया करो, ठीक है ये। अच्छा, एच डैश निकालना है, एच 4 है, ठीक है, माइनस ऐसे, ठीक है, वी की वैल्यू कितनी, माइनस का 75 upon 2। आप लेने के लिए ये भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इजी रखने के लिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 75 upon 2 और यू की वैल्यू कितनी, -25, ओके, याद तक समझ आ रहा है। इसके बाद इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो एच डैश अपॉन 4 ऐसे ही, ठीक है, 25 से ये कैंसिल, कितना, तो 3 upon 2 बचा, ठीक है। अच्छा, ये वाला 4 आप इधर ले जाओ, या इस 2 से इसको कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर दो, समझ आया ये क्या कर दिया ये, आधों को तो नहीं आया, हाँ ठीक है, मतलब ये 4 यहाँ ले जाकर कैंसिल कर लो या यहीं पर कर दो, एक ही बातें हैं, और ये 2 फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना, ठीक है, सिर्फ -6 लिखोगे तो ठीक नहीं है, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ओके, जो भी यूनिट है वो लिखना जरूरी है। अब एच डैश का आंसर आया माइनस का, ये क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये माइनस का साइन इन्वर्टेड को बताता है, और जो इन्वर्टेड इमेज है वो सारे केस में हमने कैसी पढ़ी है, 10th लेवल पर सारी रियल पढ़ी है, ठीक है, इन्वर्टेड है तो रियल है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। अगर दोनों क्वेश्चन को देखूं तो मैंने कुछ नया तो बताया नहीं है, ये सब आपको पहले से आता है, गिवन लिख लो, टू फाइंड लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, साइन लगा लो, वैल्यू पुट करो और आंसर। केवल बात इतनी सी है, क्या आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो या नहीं, क्या आप साइन कन्वेंशन ठीक लेकर चल रहे हो या नहीं, बस इतनी सी बात है। इसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर ये, एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर इन साइज, क्या दे दिया, एच, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यू, फोकल लेंथ 15, ठीक है, केवल डिजिट चेंज हुई है, बाकी तो ऐसा कुछ नया है नहीं, और
नया क्या आया, कौन सा मिरर है, कौन के मिरर ही है, सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, हाइट दे दी कितनी, 2 सेंटीमीटर, यू कितना है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब आपके सामने केवल डिजिट चेंज हुई हैं, ठीक है, क्या चेंज हुई हैं, डिजिट, बाकी तो सब कुछ वही है। तो देखो V हमें निकालना है, ये गिवन वाला पार्ट हो गया, ये टू फाइंड वाला पार्ट हो गया। अब मिरर फॉर्मूला, 1/U + 1/V = 1/F, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है ये, कॉनकेव मिरर के केस में H पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, आसान है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर और कैलकुलेशन करूँगा, अगर मेरा मैथ ठीक होगा तो आंसर ठीक आ जाएगा, मैथ गड़बड़ होगा तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, बस इतना सही होगा, ठीक है। तो U कितना है, -30, 1/V, V निकालना है, 1/F माइनस का 15, ओके, 1/V ऐसे ही ठीक है, माइनस का 1/15 ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का है, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एलसीएम लीजिए, 30 एलसीएम ले लिया 30, अब 15 से ये कैंसिल 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ गया, और प्लस, ओके, तो 1/V = कितना, 1/30। अब इसका रेसिप्रोकल कराओगे तो V की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं -30/1, तो 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -30, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ओके, ये V की वैल्यू आ गई, आसान है ये तो, हाँ या ना, तो बहुत आसान है। V के बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो हमें हाइट निकालनी होगी, जो कि होती है H-V/U, H डैश जानना चाहते हैं और H कितना है 2, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके, माइनस ऐसे ही ठीक है, V की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दिखाई और U की वैल्यू भी आपने, ये भी 30 है, ठीक है, दोनों -30 है ना, ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इधर आ गया, तो H डैश माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। H डैश नेगेटिव का मतलब हो गया कि इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर हाइट की है, बट नेगेटिव साइन दिखाता है कि वो नीचे की तरफ बन रही है, यानी कि वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब वो कैसी है, रियल। तो अगर तीनों बोर्ड अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देंगे, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ठीक से करनी है आपको, बाकी सब आसानी से निकल कर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ठीक है, रेडियस दे दी 3 मीटर, इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब जो बैक वाला रियर व्यू मिरर है उसमें जब वो देखता है तो उसको बस पीछे दिखाई दे रही है, अब जो बस है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, कितनी दूर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, 5 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है, और जो मिरर लगा रखा है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, ठीक है। अब उसकी इमेज कहाँ बनेगी ये हमें दिखाना है, ठीक है, ये बताना है, तो ओके करते हैं, 2 चीज़ें हैं, रेडियस है और यू है, रेडियस गिवन है कितनी, 3 मीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्यारे बच्चों क्या होता है,
यू नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ठीक लिखा मैंने? अच्छा, इसके बाद मुझे V निकालना है और फॉर्मूला लगा देता हूँ पहले, तो 1/U + 1/V = 1/F। अब क्योंकि F की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ लिखता हूँ F इक्वल्स टू होता है R/2, R3 है तो F हो गया 3/2, इतना मीटर। ये ठीक लिखा मैंने? अच्छा, अब इसके बाद 1/U, U कितना है? -5, ठीक है, U कितना है? -5 +1/V, पता नहीं, 1/F कितना? 3/2, बाय 2 जो लिखूंगा वो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, समझ गए? ये जो 3/2 लिखता ना मैं, वो वाला 2 यहाँ लिख दिया ले जाकर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, 1/V ऐसे ही ठीक है, 2/3 ऐसे ही ठीक है, ये कैसा है? जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? ठीक है, अब बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? 15, 3/5 जा और 5/2 जा 10, 5/3 जा 3/1 जा 3, ओके, कितना? 13/15 आ गया। अब यहां से जब आप V निकालेंगे तो रेसिप्रोकल कराएंगे बोथ साइड, तो कितना? 15/13, इतना मीटर। और ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 1.1 मीटर, ठीक है, ये मैंने अप्रोक्स आंसर लिख दिया है इसका, ओके। अब V जब निकल गया, इसके बाद हमें निकालना है हाइट, तो H डैश हाइट निकालना है। एक बार देख लेते हैं, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हाइट हमें ऑब्जेक्ट की गिवन है क्या? नहीं। अगर हाइट नहीं गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे? तो आंसर हम सिर्फ मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन कितना? अगर हाइट दे रखी होती तो मैं एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट यानी बस का साइज बता देता, बस की हाइट कितनी है। अब उसने मुझे हाइट नहीं बताई है ऑब्जेक्ट की, तो मैं इमेज की हाइट भी नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कितने टाइम मैग्नीफाई हो गई होगी, ठीक है। तो मैं करके देखता हूँ, माइनस ऐसी ठीक है, V कितना? 15/13, ठीक है, U कितना है? U है -5, ठीक है, ये अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कितने टाइम? तो 3/13, ठीक है, इतना मीटर। ये क्या आया? मैग्नीफिकेशन। अब जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 0.23 आ रहा है ना? अब ये जो M का आंसर आया है, इससे आपको क्या समझ आया? कि जो हमारा इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के 0.3 टाइम्स रहा होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हाइट रहा होगा, मान लो एग्जांपल के लिए कहता हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लो 2 मीटर, तो इमेज का हाइट कितना रहा होगा? 2 × 0.23। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट मान लो रहा होता 3 मीटर, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कितनी? 3 × इतने टाइम्स रहा होगा। अब क्योंकि ना तो उसने ऑब्जेक्ट की हाइट बताई मुझे, तो मैं जब उसने ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बताई है तो मैं इमेज की हाइट भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बता पाऊंगा कि ऑब्जेक्ट का कितने टाइम्स हो गया होगा। क्लियर बात? ठीक है, अब M का आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ बेटा, मीटर नहीं, सिर्फ 0.23, ठीक है। बारे में है कॉन्वेक्स मिरर, ओके, यू कैसा लेकर चलोगे और आर? कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। अच्छा, हमें कहीं ना कहीं एफ की जरूरत पड़ेगी, तो एफ किसके इक्वल होता है? R/2, आर कितना? 3/2, इतना क्या? मीटर, ठीक है ये। अच्छा, अब इसके बाद
वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमें v निकालना है। ठीक है, लगाइए। 1 अपॉन u कितना? 4.5 प्लस 1 अपॉन v कितना? पता नहीं, निकालना है। और f कितना? 3 अपॉन 2। ठीक है, ये अब नीचे वाला जो अपॉन में 2 है वो यही तो जाएगा, है ना? तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2/3 लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब इसके बाद प्लस वन अपॉन वी ऐसे ही ठीक है, 2/3 ऐसे ही ठीक है। ये कैसा है? नेगेटिव। ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस वन अपॉन 4.5। अब इसकी कैलकुलेशन करानी है आपको। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कराने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा? 10 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 45। 3 से कैंसिल होगा कितना? 30। और प्लस 1 अपॉन वी ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन वी ऐसे ही ठीक है। 30 और 10 कितना? अपॉन में कितना? ठीक है, अब वी निकालना है तो 45 अपॉन 40, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे कितना? जो कि समथिंग कितना आ रहा है? 1.125 इतना मीटर। छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आ गया सबका आंसर, यही है। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में हमें हाइट दे रखी है? मैग्नीफिकेशन तो निकालना है ना। ठीक है, मैग्नीफिकेशन निकालो। कैसे निकालोगे? वी कितना है? 45/40 यानी 9/8। और यू कितना है? यू -4.5 है ना, तो यहाँ लिखता हूँ माइनस का 4.5। ये आंसर तो पॉजिटिव ही आया था ना। ठीक ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, ये 8 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूं, यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 10 बना लिया। 9 से ये कैंसिल कितना? 5। 5 से ये कितना? 2। 2 से ये कितना? 4। तो 1/4 आ गया मैग्निफिकेशन। यानी कि जो इमेज है वो 1/4 रह जाएगी किसके? ऑब्जेक्ट की साइज के। ठीक है, 1/4। अब m का आंसर पॉजिटिव आया है तो एक कैसी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करे अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।